जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम पूछते राम अवतार मिश्रा जो है मकर राशि नवम्बर माह का राशि फल, इसमें विशेष परिवर्तन क्या है, आइए जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति कैसे होगी आपको, आप स्वस्थ कैसे रहने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लक्ष्मी का प्रयोग बताया जाएगा और कैसे करना विधि के साथ आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आइए लेकर चलते हैं। सबसे पहले 2 तारीख को फेस्टिवल क्या है, 2 तारीख को धनतेरस से धनवंतरी की पूजा करें। नया बर्तन लेना है धनतेरस के दिन, उसमें अनाज भर कर रख सकते हैं, गंगा जल पूजा करके अपने घर में रखना, लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। 4 तारीख को 2021 4 नवंबर 2021 को जो है दीपावली है, शुभ दीपावली, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसके आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, शनि मकर राशि विराजमान है, तो इसमें आपकी योजनाएं बहुत बनेंगी, आपके सारे काम स्लो चलेंगे और बुजुर्गों से आपको राजयोग मिलेगा, बुजुर्गों से आपको सपोर्ट मिलेगा और हेल्थ आपका इसमें अच्छा रहने वाला है। वैसे तो हेल्थ आपका करीबन देखा जाए तो ठीक ही है, लेकिन शनि की 7.5 की वजह से आपके घुटने और आपके पेट कह सकते हैं या आपकी कमर, यहाँ दिक्कत रहता है, तो इसलिए आपको शनि की आराधनी करनी पड़ेगी, तब से आपके समाप्त हो जाएगा। मकर हेल्थ के हिसाब से ठीक रहेगा, धन जो है वो आपका विलंब से आएगा, जो आप जल्दी चाहते हो धन वो नहीं आएगा, धीमे धीमे आएगा, तो आप निगेटिव हो जाएंगे। हालांकि ऐसा आपको नहीं है, आप पॉजिटिव आपको रहना है। शनि की 7.5 भी है और शनि का मकर में अभी राशि में प्रवेश चल रहा है। दूसरा, आप पराक्रम से बहुत ईमानदार होंगे, मेहनत करने में कोई काम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन रियल जो हो सफलता वो आपको 100% में 100% नहीं मिलती है, उसमें आप पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए आपको कष्ट होता है। दूसरा, यदि आप कोई लेन देन करने की योजना बना रहे हैं, घर विक्रय खरीदना चाहते हैं, बेचना या गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी आपका अच्छा योग बन रहा, इसमें आप सफलता आपको मिलेगी। कोई विद्यार्थी है या कोई जो शेयर बाज़ार में शेयर करना चाहते हैं मार्केट में या कोई कर, तो उसके हिसाब से भी आपके एक अच्छा योग बन रहा, आपको सफलता मिलेगी और आपकी सोच इस महीना बहुत बड़ी है। कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हैं जिससे आपका नाम होगा, मान होगा, सम्मान होगा, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपका भाग होता हुआ जीवन में, कोई स्त्री का हाथ होगा या किसी बुजुर्ग आदमी का होगा, जो भी आपके लिए लेन देन में या सपोर्ट में, यही दो आपके लिए वरदान साबित रहेंगे। दूसरा, दशम भाव, जैसे कि आपके शनि और आपका मंगल ऐसे कुलदीपक योग बना हुआ है, दूसरों के लिए आप बहुत लकी रहेंगे, योजनाएं बनाएंगे उसका लाभ दूसरों को ले जाएंगे, आपको हानि हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप निगेटिव हो जाएंगे। धन आपको धन के पीछे आप रहेंगे नहीं आएगा, अचानक से आपको धन की प्राप्ति सदा होती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मी के लिए कैसे करना है प्रयोग, आइए हम जानते हैं। 8 कमलगट्टे, 8 कौड़ी, 1 भोजपत्र, 1 हल्दी की गांठ, 1 पीला कपड़ा, इन सबको वस्तुओं को सब कपड़े में बांधना है और भोजपत्र में लाल कलम से अपना नाम लिखना है और लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है 8 बार और लक्ष्मी की पूजा करके अपने गुल्लक में रख देना खजाने में, 1 साल के लिए आप रखेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति आप घर में होती रहेगी। मंत्र क्या है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपको इसमें लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, मकर राशि के लिए सबसे बड़ा प्रयोग है शनि 7.5 के लिए। जिन व्यक्तियों को कोढ़ निकला है या जो है विकलांग होते हैं, उसमें मंदिर जाकर उनको जो है ना नमकीन चीज दान करनी है, जिससे आपका शनि बलिष्ठ होगा, खिलाने की चीज देनी है। दूसरा, आपको तेल चढ़ाना है, तेल के अंदर बोतल के अंदर 1 लोहे की कील, काला तिल और जौ डालना है, थोड़ी सी केसर, इनके डालने से आप तेल चढ़ाएंगे तो आपके शनि 7.5 के प्रभाव कम हो जाए। इसी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको शक्तिशाली एक लीलम पहनना है, लीलम की ग्रेप टी और लीलम शनि की होरा में धारण करना है, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। ऐसे अपने मन से पहनेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, तो सारा सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता इसमें मिलेगी। यदि मैं पूजा की बात करता हूँ तो पूजा के लिए आपको शनिदेव की पूजा करनी है और हनुमान जी की। कैसे करना है, हनुमान जी के लिए आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है, घी का दीपक जला के और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, उससे चढ़ाने से आपके शनि ग्रह प्रसन्न रहेंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। यदि कोई आप योजना बना रहे हैं नई शादी के लिए, तो उसमें आपका उससे भाग्योदय होगा करना सुनिश्चित है। यदि किसी को आप चाहते हैं पार्टनर, लव लाइफ में पार्टनरी में चाहते हैं, पार्टनर है आपका, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, उसका सम्मान करेंगे तो बड़ा खुश रहेगा, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप सोचते सोचते जो बोल देते हैं अचानक से, उस पर ध्यान रखना है, आपको सफलता मिलेगी।
बाकी आपकी जो चीज़ें आप चाहते हो जो नहीं हो रही हैं वो कैसे होगी हम बताएंगे आपको, आप हमारे संपर्क कर सकते संस्थान से, हम आपको बताते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, जय माता दी। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 9650925716 0120410877। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।